नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है फैक्ट्स फर्स्ट में। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हो गया है। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटेंगल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में छत्र राज किया। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन गायिकाओं में शुमार लता मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। लता को भारत की सुर सम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें, जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वह निमोनिया से पीड़ित हो गई। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हट गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। आपको बता दें, लता मंगेशकर के निधन पर भारत समेत दुनिया भर की कई दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दीदी के साथ कई तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, दयालु और सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़ गई हैं। वह हमारे देश में ऐसी शून्यता छोड़ गई है जो कभी भर नहीं पाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। लता दीदी प्रखर देशभक्त थी। उनका जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है। लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए हम सभी को प्रेरणा देती रही है। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लिखा, तेरे बिना भी क्या जीना। आपको बता दें, लता मंगेशकर के गाए सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है ऐ मेरे वतन के लोगों। पहले लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप के लिखे इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह रिहर्सल के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही थी। कवि प्रदीप ने किसी तरह उन्हें इस गाने के लिए मना लिया। इस गीत की पहली प्रस्तुति दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस समारोह पर हुई। लता इसे अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाना चाहती थी। दोनों साथ में इसकी रिहर्सल भी कर चुकी थी, मगर इसे गाने के लिए दिल्ली जाने से एक दिन पहले आशा ने जाने से इनकार कर दिया। तब लता मंगेशकर ने अकेले ही इस गीत को आवाज दी और यह अमर हो गया। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। लता उन्हें दद्दा कहती थी। दोनों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाम पर खोले दीननाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में अटल को भी आमंत्रित किया था। जब उन्होंने समारोह के अंत में अपना भाषण दिया तो बोले, आपका हॉस्पिटल अच्छा चले, मैं ऐसा आपसे नहीं कह सकता। ऐसा कहने का मतलब है कि लोग बहुत बीमार पड़े। ऐसा सुनकर लता हैरान रह गई और कुछ नहीं कह पाई। आपको बता दें, बचपन में ही दीननाथ मंगेशकर, जो ज्योतिष के एक बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा, देख बेटी, तू आगे चलकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। तेरी शादी भी नहीं होगी, परिवार की सारी जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्हे सी लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि उनके बाबा बहुत जल्द जाने वाले हैं। ठीक वैसा ही हुआ। दीननाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया, फिर सारी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई। उन्होंने स्टेज के साथ साथ फिल्मों में भी छोटे मोटे किरदार निभाने शुरू किए। लता जी ने संगीत का पहली शिक्षा अपने पिताजी से ली थी। वह उनके साथ संगीत नाट्य प्रस्तुति में भाग लेती रहती थी। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए गाना गाए। उन्हें अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पैसों की दिक्कत की वजह से काफी संघर्ष करना पड़ा। तब उन्होंने कुछ हिंदी व मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया, जिनमें पहली मंगला गोर 1942 में, माझे बाल 1943 में, गजभाव 1944 और बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 व छत्रपति शिवाजी 1952 में प्रमुख थी। लता जी ने 1948 में सिंगिंग में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उस समय नूर जहां, शमशाद बेगम और राजकुमारी जैसी गायिकाओं का दौर था। ऐसे में अपने कदम जमाना बहुत मुश्किल था। फिर भी पिछले 6 दशकों से जिनकी मधुर आवाज के हम सभी कायल हैं, सुख हो या दुख, चिंता हो या मनन, खुशी के पल हो या गमगीन माहौल, हर मौके पर उनके गीत गुनगुनाने का मन हो उठे, ऐसी ही शख्सियत है हमारी लता मंगेशकर उर्फ लता दीदी। उम्मीद करता हूँ कि लता दीदी को हमारे चैनल फैक्ट्स फर्स्ट की छोटी सी ट्रिब्यूट आप सभी को जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और खूब ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।